नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू में लगातार पावर क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो यहां पर देखने को मिला। इस बीच आज जम्मू में एक बार फिर से लोगों ने रोड को ब्लॉक किया। पीने वाला पानी है, देखो जो प्रेम नगर में पानी आ रहा है, कितनी बार इनको बोला है, कोई देख सुन के नहीं आता, देखने नहीं आता, कोई पानी को ये ऐसा इतना गंदा पानी पी रहा, सभी लोग बीमार हो रहे हैं। दे सकते हैं ये लोग कितना गंदा पानी पी रहे हैं। यहाँ का मैं कॉर्पोरेटर हूँ, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर। आज ये पूरा मोहल्ला, पूरे लोग मेरे साथ हैं। ये लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं क्योंकि जो मेरा वार्ड के लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, 80% लोग मजदूर दो लोग तो पक्का है, जो दिहाड़ीदार इतने मेहनती लोग हैं, मगर आम लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा। ये ऐसी सरकारें हमें क्या चाहिए? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाते हैं, आप जम्मू को स्मार्ट सिटी की तरफ दे रहे हैं, उपराज्यपाल से पूछा जाते हैं, ये कौन पानी पिएगा, ये कौन पानी पी सकता है? इतना गंदा पानी, इतना बुरा हाल, 2 साल हो गए कोविड के दौरान, इतना गंदा पानी ये लोग पी रहे हैं, इनका जवाबदाई कौन है? एक्शन जवाब दे, चीफ साहब जवाब दे, डीकम साहब दे, डीसी साहब, उपराज्यपाल जवाब, ये जवाब दे ये कौन गंदा पानी पिएगा। और 15 दिन से जो बिजली के तरफ कितना बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कि लोगों को, आम जनता को पानी मुहैया, बिजली मुहैया नहीं, और बच्चों के 10th के पेपर जा रहे हैं, 10th के पेपर हो रहे हैं, इतना बुरा हाल है, आम जनता त्रस्त हो चुकी है। तभी ये लोग, मेरे वार्ड के लोग, मेरे साथी लेडीज, छोटे बच्चे, लेडीज सब लोग बाहर आए हैं क्योंकि झूठी गवर्नमेंट से लोग दुखी हो चुके हैं कि आप आम जनता को पानी और बिजली नहीं दे सके। ऐसी सरकार निकम्मी हमें नहीं चाहिए, जो हमें जम्मू की जनता को 370 के बाद जो हमें सपने दिखाएंगे, जब 370 टूटेगी आपको अच्छी सुविधा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, मगर ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये लेडीज मेरे साथ है, ये प्रेम नगर में लोग गंदा पानी पी रहे हैं, चांद नगर में गंदा पानी पी रहे हैं, डॉक्टर गोल मोहल्ला, पूरे शहर 75 वार्डों में देखिए, हर कारपोरेटर, हर लोग परेशान चल रहे हैं। और मैं सब कारपोरेटर से अपील करता हूँ, तो क्या आप सब एक होके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि आम जनता को पानी मुहैया, बिजली मुहैया हो सके। ये हमें ऐसी सरकार, जम्मू में बिजली नहीं है, इतनी गर्मी है, ये बहुत बुरा हाल है जनाब। बिजली अगर आज कहते कोयला की, नगर पानी नहीं आंदा, नहीं बत्ती है, चीमनी से भी दिखी है, बिजली पानी दे ना सके जो, बिजली पानी दे ना सके जो, पीएचई डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। लगातार आप देख सकते हैं कि प्रेम नगर के लोग आज सड़कों पर उतर कर जो है रोड को इन्होंने ब्लॉक किया। मैडम, मैडम क्या नाम है? सर हम बहुत परेशान है पानी से और बिजली से, 12-12 घंटे लाइट बंद रहती है, बच्चे आते हैं तो इतने छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, इतने परेशान होते हैं, पानी पीने के लिए पानी नहीं है, और जब पानी भी आता है वो गंदा पानी आता है, हम बहुत परेशान हुए हैं, इसलिए सड़कों पे आए हैं हम। कितनी देर से आप लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है? महीना हो गया, इसे महीने से ऊपर हो गया पानी गंदा आ रहा है। बोलो सारे, बोलो, सारा पानी हो गया, देखो सारे वो बोल रहे हैं आपको, सारे लेडीज परेशान है, पानी गंदा चल रहा, अभी तक कोई पानी साफ नहीं, हमें कितने बार बोला पर अभी तक कोई नहीं आ रहा, पीएचई डिपार्टमेंट वाले, पानी नहीं आता हमारे, इतने मतलब जब पानी आता लाइट बंद कर देते, जब लाइट आती है पानी नहीं देते, ये हमें इतनी परेशानी हो गई ना, इसलिए हमें यहाँ रोडों पर आना पड़ा। पानी के बगैर कोई काम नहीं है लेडीज का, घर में कोई काम नहीं, सारा कुछ हमने पानी के साथ करना है, हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम सड़कों पर ही आएंगे ना। क्या आपने किसी अफसर से बात की इसके बारे में? सर हमने सबसे बात की, हमने जेई को कॉल की, एक्शन को बोला, सबको बोला, वही कहते हैं 2 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो, साल हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे प्रेमनगर में इतनी बुरी हालत हो गई पानी की, इसलिए हम नहीं वेट नहीं कर सकता, नहीं हम जाने देंगे, देखो वेट नहीं करती, तू देखे कैसे आगे आ गया। देख सकते हैं कि लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है जम्मू में। यहाँ पर बिजली की कटौती लगातार हो रही है, ऐसे में पानी की बात करें तो पानी की सप्लाई भी लोगों को सही तरीके से जो सप्लाई नहीं की जा रही है। सर क्या पानी दे ना सके जो, बिजली पानी दे ना सके जो, बिजली पानी दे ना सके जो, पीएचई डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक डोगरा चौक के पास की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लोगों ने रोड ब्लॉक करके लोग यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो महकमा बिजली जल शक्ति के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
पुलिस लगातार लोगों को यहां से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है। मटका लेकर आप देख सकते हैं कि मटका लेकर लोग इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए हैं और इस डिपार्टमेंट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को गहरी नींद में जो सोई हुई है उसे जगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्या आपके इलाके में भी इस तरह से पानी की सप्लाई हो रही है या आपको भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देख सकते हैं मंदिरों के शहर में पानी बिजली को लेकर त्राहिमाम मच चुका है और जिसकी तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल रोड को खुलवाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जम्मू परिवर्तन आपको जम्मू के हर एक कोने से आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस